अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत होंगे, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो बिल आखिर जो है मैंने अपार्टमेंट शिफ्ट कर लिया और सारी सेटिंग भी हो गई है, और मैं जो है अभी आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर गाड़ी पार्क की और अब मैं जो अपनी बिल्डिंग की तरफ जाऊँगा तो इसकी सराउंडिंग्स में आपको दिखा देता हूँ कि कैसी हैं। तो आप देख लें पहले, तो फिर हम अंदर चलते, फिर आपको अंदर से दिखाऊंगा। तो ये रही गाड़ियों की पार्किंग, अभी फिलहाल तो ये फ्री है क्योंकि यहाँ पर जो आई थिंक वो मशीन है जहाँ से आप जो है टिकट ले सकते हैं वो जो है ख़राब है। तो ये रही पार्किंग, और यहाँ से मैं जाऊँगा उस बिल्डिंग की तरफ। वो जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही होगी वो ग्रीन कलर की, ग्रीन और लाइट ग्रीन, वहाँ पर जो है उधर है मेरा रूम। और ज़्यादा चलना नहीं पड़ता, बस यहाँ पे गाड़ी पार्क की और यहाँ से थोड़ा सा जो है 2-3 मिनट की वॉक है, तो फिर जो आप उस बिल्डिंग में जो है ये यहाँ से जो है हम इसकी मेन एंट्रेंस की तरफ जाएंगे। खामोशी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, साइकिल स्टैंड इस तरफ है, यहाँ पर आप साइकिल अगर आपके पास है, मेरे पास भी है साइकिल, वो मैं अभी लेकिन जो मेरा पुराना अपार्टमेंट है वहाँ पर है तो मैं लेकर आऊँगा, और जो आपका जो है वेस्ट होगा वो भी आप वहाँ जो है पीछे वहाँ पर ये उस जगह पर आप अपना जो है घर का कूड़ा वगैरह जो है सारा कुछ रख सकते हैं। तो वहाँ से बैक साइड से भी एंट्रेंस है, अगर आप जिस तरह शिफ्टिंग वगैरह कर रहे हैं तो आप गाड़ी पे वहाँ से बैक से लेकर आएंगे, वहाँ पर गाड़ी नज़दीक खड़ी करेंगे, क्योंकि ये जो रास्ता जो भी मैं चल रहा हूँ ज़्यादा चलना पड़ता है, तो अगर आपने सामान वगैरह उठाया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो है आगे इसकी मेन एंट्रेंस, और मेरा रूम यहाँ से आई थिंक वहाँ ऊपर है, मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद देख पाए आप लोग। वो जो लास्ट वाली आपको एक खिड़की नज़र आ रही होगी वो नज़दीक चल लास्ट वाली है, फर्स्ट फ्लोर पे वो हो गया मेरा रूम। तो अब जो है मैं यहाँ से अंदर चलता हूँ। तो ये जो है उसकी जो है एंट्रेंस है, ये जो है वॉशिंग मशीन वाला एरिया है, यहाँ पर आप आके कपड़े वगैरह धो सकते हैं। यहाँ पर वॉशिंग मशीन भी है और जो ड्राई मशीन भी है वो भी है, जिसको हम स्पिनर कहते हैं। तो अब यहाँ से चलेंगे ऊपर। यहाँ पर जो है लेटर बॉक्स भी है सबके, वो आपके सामने लेटर बॉक्स भी है वहां पे। ये आ गया कॉरिडोर, काफी कलरफुल सा इन्होंने बनाया हुआ है। और ये जो लास्ट रूम है यहाँ पे, रूम नंबर 39, ये मेरा रूम है। तो अब जो है मैं आपको मस्त दिखाऊंगा। जी जनाब, तो जब हम अपार्टमेंट के अंदर आ जाते हैं तो ये उसकी जो है एंट्रेंस होगी, ठीक है, अंदर की साइड से। और इसके पीछे मैंने फॉर द टाइमिंग जो एक बैग लटकाया हुआ है क्योंकि इसकी मुझे खास सी जगह नहीं मिल रही थी रखने के लिए, तो उसको यहाँ पर लटकाया हुआ है। अच्छा, इसकी तरफ जब हम राइट साइड पर बढ़ते हैं तो यहाँ पर है इसका जो है बाथरूम,
यहाँ पर अंदर आ गया, छोटा सा बाथरूम है, और उसके बाद जो है इस तरफ जो है ये है किचन, ये आ गया किचन। किचन के अंदर अभी मेरा कोई खासा सामान नहीं है, कोई बस जो है इस अपार्टमेंट में जो पहले से बर्तन थे वही पड़े हुए हैं, और इंशाल्लाह जो है मैं मंडे को शॉपिंग वगैरह करूंगा तो किचन में सामान भी आ जाएगा। और ऊपर जो है वो बहुत कुछ एक्स्ट्रा सामान और कुछ बॉक्सेस वगैरह रखे हुए हैं। तो और अगर हम रूम के आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये आ गया, इन्होंने एक मिरर लगा हुआ है, और उसके बाद जो है यहाँ पर अब ये स्लीपिंग एरिया आप कह सकते हैं कि वो आ गया। यहाँ पर ये जो है ये सोफा कम बेड है, मतलब इसको आप सोफे की तरह भी यूज करें और रात के लिए जो है रात के टाइम इसको जो है आप बेड की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वो हो गया। इसमें एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम वो ये नजर आती है कि इसमें उन्होंने कुशन्स और ये सब कुछ इतना ज्यादा रखा गया, रात को आपको पूरा एक बार खाली करना पड़ता है ताकि जितने कुशन्स आपको चाहिए बस आप वही यूज करें, अदरवाइज इसमें तो जो है लेटने की जगह नहीं रहती। तो यहाँ पर वो हो गया। ये जो साइड टेबल है ये मैं अपने दूसरे वाले अपार्टमेंट से लेकर आया था, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं तो ये जरूरत पड़ता है, तो मैंने कहा चलो बेड के साथ जो है एक होना चाहिए। ये जो छोटा सा टेबल है इसकी कोई खास जगह मुझे समझ नहीं आई, लेकिन वक्ती तौर पर मैंने उसको यहाँ पर रख दिया, उसके ऊपर अपना कुछ सामान कीज वगैरह और जो घड़ी वगैरह रख दी है। तो ये यहाँ से वैसे हटाना है मैंने, लेकिन अभी पता नहीं है किसको कहाँ रखना है। तो ये आगे वो एरिया आ गया। अच्छा, उसके बाद अगर हम आ गए हैं तो ये एक छोटा सा बेंच टाइप सोफा है। इसका मेन मकसद ये है कि ये मैं जहां पर भी जाता हूँ अपने साथ लेके जाता हूँ कि ये बहुत सारी चीजें अकोमोडेट कर लेता है। अगर मैं आपको कुछ दिखा पाऊं तो ऐसे है कि ये आप देख सकते हैं कि ये इसके अंदर बहुत सारा सामान आ जाता है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर बैठता तो मैं आज तक कभी नहीं बैठा मेरे ख्याल से, लेकिन ये है कि ये सामान इसमें काफी ज्यादा आ जाता है तो मैं इसलिए इसको हमेशा साथ लेके जाता हूँ। ये फोल्डेबल भी है, इसको जो है अगर आप सारा सामान निकालेंगे तो फोल्ड हो जाएगा और बिल्कुल आप इसको एक हाथ में जो है इजिली उठा सकते हैं। अच्छा, यहाँ से अगर आगे बढ़ेंगे तो ये जो है इस तरफ खिड़की आ गई, ये खिड़की से बाहर का जो व्यू वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, यहाँ पर जो छोटी मोटी चीजें थी वो मैंने रख दी, और ये लैंप जो है ये भी मैं अपने दूसरे वाले अपार्टमेंट से लेकर आया था, क्योंकि मुझे जो है ये जो इसका मेन जो बल्ब है वो मुझे जैसे आपको आंखों में लगता है तो इसलिए मैं वो नहीं यूज करता, इसकी एक बड़ी एक डिम सी लाइट है तो वो जो है मैं यूज करता हूँ। अच्छा, उसके बाद ये मेरा इसको आप वर्क स्टेशन कहें, टाइम पास स्टेशन कहें, कुछ भी कहें, तो ये वो है। तो यहाँ पर जब मैं बैठ के एक्सो का जब कोई काम वगैरह करना होता तो वो कर लेता हूँ, और नॉर्मली तो अभी एक दो दिन ही हुए हैं तो बस थोड़ी देर में बैठा था यहाँ पे, तो कल ही बल्कि जब मैंने इसकी पूरी सेटिंग की है। तो ये तो हो गया वो। तो यहाँ पे ये चीज जो है ये टेबल जो है यहाँ पर पहले से था, ठीक है, जस्ट जो है मैंने अपना सामान वगैरह लाया। ये जो LCD लगी हुई है ऊपर वाली ये भी पहले से लगी हुई थी, मतलब यहाँ पर अगर आप TV वगैरह देखना चाहें जो कि मैं देखता नहीं हूँ, तो क्योंकि यहाँ के चैनल्स वगैरह मतलब कोई खास इंटरेस्टिंग नहीं होते हमारे लिए और अपने चैनल्स देखने के लिए, तो मेरे ख्याल से YouTube जो है बेस्ट ऑप्शन है फिलहाल। अच्छा, इससे अगर आ गया है तो ये वाला जो टेबल है, ये टेबल ये मैं अपने दूसरे वाले अपार्टमेंट से लेकर आया था। इसका भी फायदा ये कि पहली बात तो ये कि ये जो है इस जगह फिट बहुत ज्यादा अच्छा आया, और दूसरी ये कि इसके अंदर मैंने काफी सारी चीजें रखी हुई हैं, वो प्रिंटर वगैरह है, कुछ बुक्स हैं, एक दो बॉक्सेस हैं, तो वो चीजें भी जो है इसके अंदर आ गई हैं। और वैसे भी ये जगह खाली थी तो बुरी लग रही थी, तो चलो ये मैंने देखा कि यहाँ पर फिट आ रहा है तो ये मैंने जो है यहाँ पर ला के रख दिया। ये कुछ डेकोरेशन पीसेस हैं जो कि उस रूम से आए, तो चलो ये जो है यहाँ पर शायद कुछ खूबसूरती में जो है थोड़ा बहुत इजाफा कर रहे हूँ। अच्छा, और ये जो चेयर है, एक्चुअली इसके साथ ये वाली चेयर थी, इस कंप्यूटर टेबल के साथ ये वाली चेयर थी, लेकिन ये कोई मतलब खास कंफर्टेबल चेयर नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इससे बेहतर है कि मैं ये वाली ले जाऊं। तो ये कंफर्टेबल भी है और मतलब ये है कि ठीक, ये तो बहुत साउंड भी करती है, इसमें अगर आप बैठे तो मतलब अजीब सी आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, तो उससे बेहतर है कि ये, क्योंकि ये उस टाइम जो मैंने ली थी बहुत कंफर्टेबल मुझे फील हुई थी तो इसलिए ली थी। पहली बात तो है कि इस वाली का साइज भी थोड़ा छोटा है, आप जो है तंग से होकर बैठते हैं तो इसमें चलो वो चक्कर नहीं है। तो ये तो मेरी जिन जो अपार्टमेंट वाले हैं उनसे मैं कहूँगा या तो ले जाएं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी अनवांटेड सी फील हो रही है अगर आप देखें तो, मतलब इसका कोई खास मकसद फील नहीं हो रहा है यहाँ पे इस चेयर का, क्योंकि एक इनफ है यहाँ पे। लेकिन चलो जब तक है तो इसको यह है कि अगर कबर्ड वगैरह यूज करनी है तो इसको जो है यहाँ से हटाना होता है, यहाँ पर साइड पे करना होता है। अच्छा, तो ये तो हो गया पूरा वर्क स्टेशन आप कह लो। अच्छा, अब आ जाते हैं हम कबर्ड की तरफ, और कबर्ड मुझे यहाँ की अच्छी है लेकिन थोड़ी सी छोटी है, लेकिन यह है कि चलो काम चल रहा है। और यहाँ पर जो है कपड़े मैंने कुछ अरेंज करके रख दिए हैं, और जो इसका ये वाला एरिया दूसरा एरिया ये काफी जो है छोटा है, या तो छोटा या बहुत सारे एक्स्ट्रा कपड़े लटके हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखोगे यहाँ से कपड़े जो है हिलाने की भी बहुत बहुत मुश्किल से, बल्कि जो प्रेस भी आपने किए होते हैं वो बिल्कुल खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो है, तो ये भी अब इसकी इंशाल्लाह सेटिंग करनी है ताकि कपड़े जो है थोड़े से मतलब जो एक्स्ट्रा है वो उठा के मैंने जो ऊपर बैग है इसमें डालने, ताकि यहाँ पर जो थोड़ी स्पेस हो ताकि जो है नए कपड़े जो इसमें ला के रखे जा सके। उसके अलावा जो नीचे ये दो ड्रॉर हैं, इसमें जो है मतलब नॉर्मल कुछ घर पहनने वाले कपड़े भी हैं
और इसमें आयरन वगैरह है और इसमें कुछ बॉक्सेस वगैरह हैं, हाँ कुछ बेल्ट और कुछ इस तरह का सामान वगैरह है यहाँ पे पड़ा हुआ, पेन्स वगैरह हैं और मतलब कुछ स्टेशनरी आइटम्स भी हैं यहाँ पे थोड़े बहुत वो है। और यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे कुछ बेडशीट्स हैं और जो इन इन्होंने पहले से दी थी जो कि आई थिंक उसमें से तो मैं एक आधी यूज कर रहा हूँ, तो ये भी हो सकता है मैं उनको वापस करूँगी ताकि यहाँ पर भी कुछ चीज़ जो है रखी जा सके। अच्छा यहाँ से हम आगे आ जाते तो ये भी कुछ कार्टन्स, अब इसको छुपाने का मैं कुछ तरीका देख रहा हूँ कि इस तरह नजर ना आए सामने बुरे लगते हैं, मतलब इस तरह कार्टन अगर आपको सामने नजर आए तो ये भी सेट करने हैं क्योंकि अभी फुली अभी एक दो दिन ही हुए हैं तो ऊपर से रमजान भी है तो मतलब इतना ज्यादा हिम्मत नहीं होती कि मतलब एक ही दिन में सारा कुछ कर लिया जाए। तो वो अच्छा यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि जूतों के ऊपर जूते पड़े हुए हैं, ये जो है मैंने जो है कुछ नीचे शॉपर में पड़े हुए हैं कुछ जो ऊपर इस तरह रख दिए हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पर जो है शू रैक ऑर्डर किया है वो इंशाल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर आ जाएगा, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो मुझे क्योंकि रूम के जैसे ही अंदर आओ तो अगर इस तरह आपको जो है जूते पड़े हुए नजर आए तो एक अजीब सी फीलिंग आती है, बुरा लगता है, तो इंशाल्लाह वो भी मैं जो आपको दिखाऊंगा वो ऑर्डर किया वो इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में जो है आ जाएगा। तो अगर जो है टोटल इस तरह अगर आपने रूम यहाँ से देखना तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऐसे है ठीक है, यहाँ से भी मेरे राइट साइड पे एंट्रेंस है, ये इस तरफ आ गया बाथरूम और ये पूरा रूम है, यहाँ से छोटा तो बहुत है इसमें कोई डाउट नहीं, बहुत ज्यादा छोटा है जो पुराना रूम था उसके मुकाबले में, लेकिन यह है कि मतलब चीजें इसमें सारी अकोमोडेट जो है मुझे लगता है कि अभी तक तो अच्छे से कर लिए हैं, इन फ्यूचर अगर कोई और चीजें तो चलो उसको देख रहे हैं कैसे मैनेज करना है, लेकिन अभी तक जो है इसने जो है मैनेज कर ली है चीजें। तो ये है जो मेरा नया अपार्टमेंट, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो छोटा सा रूम है मेरा अपार्टमेंट ये आपको अच्छा लगा होगा, अगर इसमें कुछ चेंजिंग आपको फील होती है कि यहाँ पर ये चीज नहीं होनी चाहिए या यहाँ पर ये चीज होनी चाहिए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि उसको जो है किसी ना किसी तरीके से मैनेज किया जाए। तो जो मैंने बाहर का आपको एरिया दिखाया मुझे उम्मीद है वो भी आपको पसंद आया होगा, बल्कि हाँ एक चीज मैं आपको दिखाना भूल गया, वो खैर मैं आपको दिखाता हूँ कि इस खिड़की से जो बाहर का जो एरिया वो कैसा है। जी जनाब, तो खिड़की से अगर बाहर की बात करें तो ये रहा बाहर का व्यू आप कह लें, ये सामने जो आई थिंक कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट है तो यहाँ पर तो आजकल काफी ज्यादा खामोशी है, और ये जो आपको जगह नजर आ रही है ये इस तरफ से भी इसकी एंट्रेंस है और उस तरफ अगर चले जाओ तो उस तरफ से भी इसके एंट्रेंस है, और जो मेन एंट्रेंस है इस बिल्डिंग की वो सामने यहाँ पर अभी आपको नजर आ रहा होगा जहाँ पर 2 बाइक्स जो है खड़ी हुई है वो इसकी मेन एंट्रेंस है, और ये रहा इसका बाहर का एरिया, सिटी सेंटर से ज्यादा दूर नहीं है लेकिन जो है अभी आपको मैंने बाहर से भी दिखाया था तो आपको पता चल गया होगा कि इसके सराउंडिंग्स जो है मतलब इतनी भी बुरी नहीं, मतलब अच्छी है, ग्रीनरी है और खामोश है सबसे पहली बात, मेन रोड के ऊपर घर हो तो बहुत गाड़ियां वगैरह ट्रैम्स वगैरह गुजरती है तो चलो काफी ज्यादा शोर आता है, इसमें चलो वो नहीं है। तो ये है इसका बाहर का व्यू खिड़की से, खिड़की मैं बहुत कम खोलता हूँ और क्योंकि एक तो वैसे भी ठंड है यहाँ पे और दूसरा ये कि अगर कोई बाहर से लोग वगैरह गुजर रहे हैं ये वो तो इस तरह मतलब खामोशी जो है इसमें अपार्टमेंट में नहीं रहती, तो इस वजह से खिड़की जो है मैं बहुत कम खोलता हूँ। जी तो आपने बाहर का व्यू भी देख लिया खिड़की से और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो चीज़ है वो अपार्टमेंट अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है या बुरा मुझे जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इंशाल्लाह जो है अगर इसमें मैं कोई अपग्रेड करूंगा तो वो मैं आपको वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें नहीं खरीदी हैं, एक दो चीज़ मैंने खरीदी हैं कुछ अपने कंप्यूटर टेबल के लिए और कुछ पैसे रूम के लिए, तो वो जब इंशाल्लाह आ जाएंगी तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा, मैं भी इंशाल्लाह अपनी दुआ में जरूर याद रखूंगा, और मुझे दुआ है मेरी अल्लाह से कि आपका रमजान मुबारक बहुत बहुत अच्छा गुजरे, जितने रोजे गुजर गए हैं वो भी अच्छे गुजरे होंगे इंशाल्लाह, और जो आगे आने वाले हैं वो भी उम्मीद है कि अच्छे इंशाल्लाह गुजरेंगे। तो मेरी आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मेरी आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।